सांसद श्री अर्जुन जी, पूर्व मंत्रीगण श्री सावरलाल जी, रामनारायण जी, यूनस खासा, उषा पूनिया जी, प्रेम सिंह जी बाजौर, हमारे विधायकगण श्री हबीब साहब, श्री अजय सिंह जी, श्री सुखराम जी, श्री अभिषेक भटोरिया जी, श्री मान सिंह जी, श्री हरीश कुमावत जी, जिला अध्यक्ष नागौर, बिंदु चौधरी जी जिला प्रमुख, माननीय श्री चौधरी साहब, श्री विजय पूनिया जी, श्री महाराम जी, श्री मनोहर सिंह साहब, और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायकगण, और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद और प्रणाम करना चाहूंगी श्री गणपत सिंह जी चोयल जो आज के आयोजक करता है, और ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय हनुमान राम जी बेड़ा, और कटौती क्षेत्र के सभी भाई और बहनें, इतनी संख्या में जो आए हुए बहने, सब लोगों को सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूंगी, बहुत बहुत प्रणाम। मैं शुरुआत में ये कहना चाहूंगी आपको कि इस कार्यक्रम के लिए सबने बहुत दिन तक मेरा पीछा किया, और संयोगवश ऐसा है कि ये कार्यक्रम बाबा रामदेव जी का, जिनके लिए मेरे मन में अपार स्नेह भी है, और उनके सामने वैसे भी मैं शीश झुकाती हूँ, एक ऐसी मूर्ति के लिए आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और फिर इन मूर्ति के साथ साथ इन सब मूर्तियों के दर्शन करने का भी मौका दे दिया, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। शुरुआत तो मैं आज अपना मानती हूँ कि एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मीटिंग्स का दौर चला हुआ है आज राजस्थान में, आप लोग सब देख रहे हो, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई जयपुर के अंदर, दूसरे दिन ही सबने कहा है जयपुर के अंदर मीटिंग होती है, कौन सी बड़ी मीटिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट और जिले के अंदर मीटिंग होती है वो बड़ी मीटिंग होती है, मैं तो ये कहती हूँ कि गांव के अंदर वो मीटिंग होती है वही सबसे बड़ी मीटिंग होती है, उसके पहले दिन बहुत बड़ी जगह में, दूसरे दिन जिले के अंदर, तीसरे दिन मेरे सब परिवार के बीच में, गांव के अंदर आके आप लोगों ने इतना ऐतिहासिक स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत आभारी हूँ। कटौती गांव के सामने मैं तो ये कहना चाहूंगी कि यहाँ एक बहुत बड़ी चीज आज देखने को मिली, और इससे मेरा तो दिल गदगद हो गया है, और इसीलिए मैं बाबा के सामने हमेशा अपना शीश झुकाती हूँ, क्योंकि ये एक वो बाबा है, वो एक ऐसे देवता है जिनके सामने राजस्थान का पूरा परिवार नतमस्तक है। आज इस मंच के ऊपर ही आप देख रहे हैं, चाहे वो जाट समाज के हो, चाहे वो राजपूत समाज के हो, चाहे वो बिश्नोई समाज के हो, चाहे वो बेगवाल समाज के हो, चाहे वो प्रजापत समाज के हो, हर एक समाज का व्यक्ति, यहाँ तो रावत समाज के भी लोग बैठे हुए हैं, पर सब लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब ने आके आज इनके सामने शीश दबा के आप लोगों का साथ बैठ के एक एक पारिवारिकता जो यहाँ देखने को मिली, उससे हम सबका, मैं तो समझती हूँ आपका भी, मेरा तो बहुत दिल गदगद है, क्योंकि राजस्थान के अंदर हम चाहते क्या है, वो जो ये बाबा ने सिखाया था वो ही हम चाहते हैं। मैंने देखा कि राजनीतिक तरीके से राजस्थान को किस तरीके से खत्म करके रख लिया है, 65 साल लोकतंत्र के निकल गए, और हम लोग सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़े के अंदर व्यस्त हैं, कौन सा कौन जाति किससे लड़ रहा है, कौन सा मजहब किसके सामने खड़ा हो गया है, एक दूसरे को किस तरीके से हम नीचा उतारने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें ही हमारे 65 साल निकल गए। मैं आज बाबा के सामने ये प्रतिज्ञा करना चाहती हूँ कि ये प्रदेश एक परिवार के रूप में हम लोगों को मिला है, इस परिवार को आगे बढ़ाने का काम, उसमें प्रेम डालने का काम, एक दूसरे का साथ देने का काम, ये प्रतिज्ञा करके अगर हम यहाँ से जाएंगे तो वो सच्ची साधना होगी, नहीं तो यहाँ खाली अपन ऐसे बैठ के जाएंगे तो इसमें कोई मजा नहीं आएगा, ये सच्ची साधना है, हम अपने मन के अंदर इस बात को लेकर चले। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आज अगर राजस्थान पिछड़ गया तो बस इसी की वजह से पिछड़ गया कि राजनीतिक लोगों ने हम सबका लाभ उठा के, हम सबको एक दूसरे से लड़वा के, और राजस्थान को पीछे बचा। हमारे महात्मा, संत, गुरु, भगवान,
चाहते हो, उन सब ने ये कहा कि राजस्थान जब तक एक नहीं होगा तब तक ये परिवार नहीं एक होगा, जब तक हम लोग राजस्थान के अंदर विकास की ओर जा ही नहीं सकते। आज इसी की वजह से, इस लड़ाई और झगड़े की वजह से हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं। आप देख लीजिए माता बहनें, मुझे कितना दुख होता है कि असुरक्षित तरीके से हमारी माता बहनें सड़क पे चल नहीं सकती हैं। आज आपने पढ़ा होगा अखबार के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर क्या एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, मेरा तो दिल अभी भी उससे पसीज रहा है। आप देख लेंगे कि वहां एक छोटी सी बच्ची, नवजात शिशु, उसको गाड़ के रख लिया किसी ने, वहां किसी को मिली, उन्होंने 108 एम्बुलेंस को टेलीफोन लगाया माता बहने, वो एम्बुलेंस टाइम पे पहुंची नहीं, देर से पहुंची, बच्ची को ले गए अस्पताल, और डॉक्टर का कहना है कि ये बच्ची को मरने की जरूरत नहीं होती, अगर आधे घंटे पहले ये एम्बुलेंस आ जाती तो हम इस बच्ची की जीवन को संभाल लेते और वो जिंदा रहती। परंतु राजस्थान का नाम, राजस्थान और स्वाभिमानी राजस्थान कलंक का टीका कि हमारी बच्ची को इस तरीके से मारने का काम किसी ने किया, ये राजस्थान के अंदर हुआ, इसमें क्या आपके दिल में दर्द नहीं है? सब बैठी हुई है, दर्द नहीं है? आपको लगता है कि हमारी बच्चियों के साथ जिस तरीके से जयपुर के अंदर या कहीं भी जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, उनसे तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? नहीं लगता कि कैसा राजस्थान है, ये कैसा परिवार है कि हम अपनी बच्चियों को संभाल के नहीं रख सकते? कैसा लगता है कि हमारी बच्ची अगर स्कूल में कॉलेज में चली जाती है, वापस टाइम पे नहीं आती है, तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बच्ची के साथ कुछ हो न गया। आज हमारी माताओं बहनों को इस चीज में से निकलना पड़ रहा है, मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं यहाँ अभी देख रही थी तो मैंने देखा कि 36 के 36 कौम को संभालने का काम हमारे लिए बाबा रामदेव जी ने किया था। और इसी नहीं, उन्होंने अपने उस समय में जब अराजकता फैली हुई थी, जब महिलाओं के अत्याचार हो रहे थे, जब लूट खसोट हो रही थी और जब छुआछूत हो रहा था, तो ऐसे टाइम में पैदा होके उनने सबको अपने घेरे में लेके और प्यार के साथ जोड़ने का काम किया। क्या हम इससे नहीं सीख सकते? क्या हम इससे नहीं समझ सकते? क्या हम अपने दिल के अंदर इस चीज को नहीं बचा सकते? मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो शासक नहीं, तो कहते हैं ना कि शासक तो क्या कर सकता है, परंतु अगर वो शासक है और शासक राजा बनकर नहीं जन सेवक बनकर काम करता है, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बाबा ने ये बता दिया कि मैं शासक होने के बावजूद भी आपके बीच में अपना परिवार आपको अपने मान के और आपको आगे ले जाके सेवक के रूप में आपका काम कर सकता हूँ। आज इस बाबा के सामने इसलिए हम नतमस्तक हैं। ऐसे राक्षसों के साथ लड़के उन्होंने उनका वध किया, उस समय में उसको भैरव कहलाया जाता था, आज कई नामों से अपन कह सकते हैं। ये अराजकता जो फैली हुई है, ये भ्रष्टाचार के नाम से हो सकती है, ये गरीबी के नाम से हो सकती है, ये अलग अलग नाम से हो सकती है, महिला अत्याचार के साथ हो सकती है, SC ST अत्याचार के साथ हो सकती है। ये बाबा ने ये कह दिया था कि ये अत्याचारों के खिलाफ लड़ना, जिस तरीके से भैरव राक्षस को हमने मारा था, उस तरीके से इन सब चीजों को हमको मिलकर मारना है। तैयार हो? कर सकते हो? आज ये संकल्प लेके चलना है इस पवित्र भूमि पे, क्योंकि यही था जहां उन्होंने अपना पाए के निशान छोड़ के, तंबूरा छोड़ के, और उन्होंने दिखाया था कि हम यहां हैं। उन्होंने आपको ये बताया था कि हमारे अपने जीवन के अंदर जब हम पहले पैदा हुए थे तब हम चमत्कार कर सकते थे, और जब हम नहीं है इस दुनिया के अंदर तो हमारी याद जो करता है उसके नाम में भी फिर हम चमत्कार करके दिखाते हैं। वो बाबा, क्या उनके सामने हम ये संकल्प लेकर जा सकते हैं? क्या यहाँ से राजस्थान की ये आवाज उठा सकते हैं कि जब ये पूरा राजस्थान एक होगा तभी तो नया राजस्थान बनेगा? क्या ये संकल्प लेके चल सकते हैं? हाँ कि ना ले सकते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबा रामदेव को आज 5 पीरों के बीच में गिना जाता है, कितनी बड़ी बात है। और अगस्त सितंबर माह के अंदर, अभी मेरे को कहा कि 10 सितंबर को आपने अपनी रैली जयपुर के अंदर रखी है, आधे लोग तो सब रामा पीर के दर्शन करने जा रहे हैं, हम भी आना चाहते हैं। मैंने कहा कि आधे लोग तो हमारे पास आना, आधे उनके पास जो जाते हो वो हमारे लिए भी अपनी पूजा अर्चना उनके पैरों में डाल के आना, क्योंकि यही है जो हमारे सब राजस्थान हमारे परिवार को रक्षा करने वाले हैं। किन्हीं किन्हीं लोगों ने मजाक करके मेरे को ये कहा कि तो बहुत ईश्वर की भरोसा करती है,
ये कहती भी है कि राजस्थान हमारे भगवान के भरोसे, ईश्वर के भरोसे, पीरों के भरोसे, इन सब के भरोसे चलते हैं। मैं कहती हूँ वहां चलते हैं, क्योंकि जब इनके भरोसे हम चलते हैं तो एक दूसरे के साथ प्यार से जुड़ते हैं, तलवार निकाल के एक दूसरे के सामने नहीं खड़े होते। आज दिख रहा है आपको, इस पूरे मंच के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। मैं समझती हूँ कि बहुत दिन बाद इस तरीके से इस प्यार के साथ इस मंच के ऊपर इतने सारे लोगों को सामने, इतने सारे लोगों को देखने का मेरा हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको, रामदेव ट्रस्ट के गणपत राम जी को और सुखदेव जी को, कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे ऐसे मौके में अपने इस परिवार के अंदर शामिल करने का कोशिश का काम दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, कई बार मेरे पीछे लगे और मैंने कहा कि भाई ये काम करना है, वो काम करना है, परंतु जब ईश्वर का बुलावा आता है तो कोई दूर रह नहीं सकता। और यही बात भी ईश्वर का बुलावा हुआ और मैं आप लोगों के सामने हुई। और मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि अब एक अपने को पर्ची निकालनी है, एक ऐसा पर्ची निकालना है। जो ये पर्चा निकालते थे वो पर्चा कभी गलत नहीं होता था। मैंने पढ़ा कि यहाँ जो निस्संतान थे ग्राम के एक सेठ शिवनाथ सोनी जी महाराज, महेश्वरी जी, उनको पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने बाबा के सामने प्रणाम किया, बाबा ने उनको पर्चा दिया और उसके बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। और इसलिए उन्होंने 1951 में बाबा रामदेव का विशाल मंदिर बना के छोड़ा। तो 36 के 36 गांव को लेकर चलने का बनने वाला मंदिर है, ये यहाँ से शुरू हुआ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये शुरुआत तो यहीं से करें, छोटी आवाज है कोई नहीं। लोग सोचते हैं कि ये छोटी आवाज कौन सुनेगा, मैं कहती हूँ कि ये छोटी आवाज बढ़ते बढ़ते एक ऐसी बड़ी आवाज हो जाएगी कि राजस्थान को एक सूत्र में बांधने का काम कर जाएगी और राजस्थान आगे चल के इस देश की अगुवाई करेगा। क्यों भैया, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? एक याद है, एक जमाना था जब राजस्थान के नाम से ही हिंदुस्तान को जाना जाता था। लोग किताब पढ़ते थे, कहाँ है वो राजस्थान, पर्यटक आते थे, कहाँ है वो राजस्थान। और आके कई लोग इस मिट्टी को अपने माथे पर लगा के कहते थे, अच्छा वो है राजस्थान जहाँ लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी हंसते हंसते अपने परिवारों के लिए, अपने देश के लिए दी, ये है वो राजस्थान। आज कलंकित हो गए, बहुत दुख की बात है कि 65 साल के बाद हम अपने पैर पे नहीं खड़े हो पाए, देश आगे निकल गया और हम लोग सब पिछड़ गए, क्योंकि इन लोगों ने हम लोगों को लड़ा लड़ा के ऐसी स्थिति बना के कर दी कि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ चलने को तैयार नहीं। आज मैं ये कहती हूँ कि आपके पूरे नागौर के अंदर पानी की जो विकट समस्या है वो क्या आपकी ही समस्या है या आपकी ही समस्या है या हम सबकी समस्या है? हम सबकी समस्या है ना। मैंने ये कहा था, मुझे याद है 2008 जब ये आपके मुख्यमंत्री पहली दफा चुन के MP बन के जोधपुर आए तो उन्होंने सबसे पहले घोषणा की थी कि हम सबको हिमालय का पानी पिलाएंगे। अब हिमालय का पानी तो मुझे मालूम नहीं क्या पिलाया तो नहीं पिलाया, पर मैं ये कह सकती हूँ कि ये हम लोगों के कंधे के ऊपर पड़ा कि जायल को इंदिरा गांधी कैनाल से, नागौर को इंदिरा गांधी कैनाल से जोड़ के पहली दफा 761 करोड़ की पानी की, मीठे पानी की, हिमालय के पानी की योजना को हमने पूरा करके 5 साल के अंदर, भाइयों 5 साल के अंदर दिया। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, झालावाड़ जिस क्षेत्र से मैं विधायक, उस झालावाड़ क्षेत्र के अंदर छापी नदी के ऊपर इस कांग्रेस सरकार ने 36 साल से बांध बनाया, उसको लगे 36 साल पूरा करने के लिए, कहा गया वो सब पैसा 1 करोड़ से शुरू होके मालूम नहीं कितने करोड़ तक पहुंचा, वो पैसा किसके जेब में गया? 36 साल लग गए एक बांध को पूरा करने में। और आपको मालूम है कि पूरे क्षेत्र के अंदर आप देख लीजिए कितने ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पत्थर के पत्थर लगे हुए हैं परंतु जहां काम हुआ नहीं। ये तो वो सरकार है जो ये काम करती है। और मैं ये कह रही हूँ कि 2000 करोड़ की योजना थी कि ये मीठा पानी पूरे नागौर जिले के अंदर सब तक पहुंचाने का हम लोग काम करें। ये 761 करोड़ रुपए से, जैसे मैंने कहा था, नागौर को मीठा पानी पिलाने का हमने काम तो किया, शहर को 500 गांव हम तब तक चले गए थे, 500 गांव जो बचे थे उस कोटा में पहले में उनको तक पानी नहीं पिला सके। और आज जायल के अंदर मैंने शुरू किया था वो माता सुख माइंस के अंदर से आप लोगों को पानी
पानी पिलाने का काम किया था, हमने पानी को साफ करके आप तक पहुंचाने का काम किया था, मिलना था 60,000 लीटर, अब कितना मिल रहा है? 60,00,000 लीटर, और आपको मिल रहा कितना है? मुश्किल से 5,00,000 लीटर आता है, और वो 5,00,000 लीटर बदबूदार पानी है। आप लोग वो क्या पिएंगे? पशु नहीं पिएगा, ऐसा पानी आप लोग तक पहुंचा रहे हैं। पर शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? कहते हैं कि हम सब तक नहीं कर रहे हैं, हम सब गरीबों को। मैंने तो कागज में लेके आई, कटिंग लेके आई आज, मैंने कहा मैं देखूं तो सही। अब 3-4 रोटी खाएंगे, 100 दिन काम करेंगे, फ्री दवाई लेंगे और कांग्रेस को दोबारा लाएंगे। मेरा यह कहना है भाइयों, मेहनत की रोटी खाएंगे, हमें ऐसे नहीं चाहिए 3-4 रोटी कोई डाल दे हमको। मेहनत की रोटी खाएंगे, घर घर कमल खिलाएंगे, भाजपा को लाएंगे और राजस्थान को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। हम सब मिलकर करेंगे, हम लोगों को किसी के रोटी के टुकड़े की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने बलबूते के ऊपर खड़े, इसीलिए राजस्थान का नाम पूरे दुनिया के अंदर लोग जानते थे, क्योंकि राजस्थान के लोग किसी के सामने नहीं झुकते थे, स्वाभिमान के साथ खड़े होते थे, किसी के सामने झोली नहीं फैलाते थे, करते थे काम, मेहनत, पसीना बहाते थे और उस पसीने की जो मिलती थी उसको लेते थे। आज हम वो भी लेंगे। इसमें फिर लाइन आई है, विपक्ष गरीबों को बोझ समझता है, हम गरीब को ताकत समझते हैं। माने हम गरीब को गरीबी रखेंगे, हम उनको ताकत समझते हैं, हम तो गरीब रखेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि गरीब को गरीब नहीं रखना है, पूरे राजस्थान को विकास विकसित बनाने का काम करना है। हम नहीं चाहते कि हमारा एक भी परिवार का व्यक्ति गरीब रहो। पर यहाँ ये कहते हैं कि हमारी तो ताकत है गरीब, हम तो चाहते हैं कि आज 10 गरीब है तो कल 100 गरीब हो जाए, आज 100 गरीब है तो कल 1,000 गरीब हो जाए। ऐसे लोग ये सरकार चलाएंगे और ये हमारे परिवारों को आगे करेंगे और ये देश की गौरव और देश के इतिहास को बनाए रखेंगे। शर्म आती है मुझे, मैं तो ये कहना नहीं चाहती। इन्होंने तो ये कह दिया कि देखिए हम तो फ्री दवाई योजना दे रहे हैं, कोई फ्री दवा डॉक्टर है आपके यहाँ मिल रहा है? डॉक्टर से कोई फ्री दवा किसी को मिल रही है? मेरे को तो ये मालूम है कि सब कुछ जहर मिल रहा है। जहां जहां मैंने दौरा किया था वहां डॉक्टर ही नहीं है। जब डॉक्टर ही नहीं है तो कौन फ्री जांच करेगा और कौन फ्री दवा देगा आपको? वहां पहुंचो तो है ही नहीं। ये बात फिर बोलते हैं आदिवासी क्षेत्र में जनजाति विश्वविद्यालय खोलेंगे, जड़ी लगा दी विश्वविद्यालयों के। अरे झुंझुनू के अंदर हमने खेल विश्वविद्यालय, हम लोग निकल के गए वहां, अरे तुमने बता तो दिया, उसकी जड़ी भी लगा दी, परंतु एक कुलपति के सिवाय वो बेचारा एक कमरे में बैठा हुआ है, ना जमीन है, ना पढ़ने वाले बच्चे हैं, ना बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में जनजाति विश्वविद्यालय खोलेंगे, उस बेचारे की भी वही हालत है, वो इसी एक कोने में कमरे में बैठा हुआ है, उसके आगे ना बच्चे हैं, ना जमीन है, ना बिल्डिंग है, ना कुछ। ऐसा करने से क्या मतलब? और उसके साथ साथ बांसवाड़ा में रेल का सपना पूरा किया, 1,200 करोड़ रुपए दिए। अरे भैया तुम्हारी घोषणा उपलब्धि नहीं होती, हमने तो घोषणा की और उसको उपलब्धि में बनाया, तब तो लोग कहते हैं क्या ठीक है। मैंने अगर आपको कहा कि मैं पानी दूंगी कर दिया मैंने कि मेरा तो काम हो गया, तब तो हो गया काम, तो फिर राजस्थान तो कहीं जा ही नहीं पाना। और मेरा तो ये कहना है कि इन चीजों में मेरे को पढ़ना नहीं है, राजस्थान के परिवार को एक व्यक्ति नहीं ये पूरा परिवार साथ लेके चलेगा तब काम होगा, कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है। इसमें 36 से 36 कौम सब मजहब मिलकर चलेंगे तो राजस्थान वो राजस्थान बनेगा जो हमारे सबके सपनों का राजस्थान है। आज मैं ये कहना चाह रही थी, मेरे पास कागज भी आया आप लोगों का, तो ये बाबा श्री टीलाराम की पावन धरती का ग्राम कठौती में बाबा श्री रामदेव जी महाराज की प्रतिमा और हॉल का अनावरण और समस्त ग्रामवासियों पर आयोजनकर्ता गणपत राम जी चोयल को धन्यवाद मैंने बहुत बात दिया और बात भी दूंगी। और यहाँ की लोक गाथा मन चंगा तो कठौती में गंगा, क्यों जी मन कटौती में गंगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे सब। और एक स्थानीय मुद्दा जो आप लोगों का मेरे सामने आया वो ये आया कि पंचायत समिति जायल के अंदर पूर्व सरपंचों के सप्लाई ठेकेदारों का भुगतान जो वर्ष 2009 और 2010 का आज
भी बताया है, स्थानीय विधायक और पार्टीबाजी और गुटबाजी के कारण पंचायत कमरा, जोचीना, दुगस्ताओ, झड़ेला सहित 10 ग्राम पंचायत है जिनकी पार्टी स्तर पर भत्सना की जाती है। मैं समझती हूँ कि जितना भी करो वो कमी रहेगा, क्योंकि ये काम हो जाना चाहिए। और आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ सब किसान भाई बैठे हुए हैं। किसान भाई, अभी कुछ दिन पहले जब हम लोग दौरा कर रहे थे और मैंने जब नागौर से निकली थी तो भड़ करते हुए सोनिया गांधी चली गई यहाँ जायल के अंदर आके उन्होंने फीता काटा। फीता क्या काटा? शिलान्यास का एक और पत्थर लगा दिया। वहां नागौर में पानी नहीं पिला सके और यहाँ जायल में आके पत्थर लगा के चले गए। मैं तो समझती हूँ कि पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है जी, कितने पत्थर लगाओगे और कितना काम करके जाओगे। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो काम हमारी सरकार ने शुरू किया था नागौर के साथ, वो चाहे नागौर हो, चाहे डीडवाना हो, चाहे कुचामन हो, चाहे डेगाना हो, चाहे आपके चारों पांचों जो भी आपके नागौर के दसों क्षेत्र है उनके सबके अंदर पानी लाने का हम काम करेंगे। मैंने तब विश्वास दिलाया था, करके छोड़ा और आने वाले समय के अंदर इसको पूरा करके हम छोड़ेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि माता सुख के अंदर जिन लोगों ने गड़बड़ किया है उनको भी छोड़ने का काम हमारा नहीं है। ऐसे लोगों को भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने पूरी तरह से आप लोगों के साथ खिलवाड़ किया, गंदा पानी पिलाने का काम किया, पूरे राजस्थान के अंदर फ्लोराइड का पानी लोगों को पिलाने का काम किया, इससे और खराब बात क्या हो सकती है। मेरे किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे बताओ आज आपके सीआरएफ के अंदर ये जो विपदाएं होती हैं उसके लिए पैसा अलग से रख दिया गया है? हमारे समय में नहीं होता था। जब आपके यहाँ विपदा हुई है, चाहे वो ओला हो, चाहे वो पाला हो, ये सब चीजें हुई, तो मैंने तो जयपुर के अंदर सुना कि आप लोगों को बहुत जोर जबरदस्ती के साथ आप लोगों को मुआवजा मिला। मिला मुआवजा किसी को? मिला? मैंने पूरे एक साल से जो कहते आ रहे हैं कि आपको मुआवजा दिया वो सब गलत है। किसी को नहीं मिला? किसी को लोन मिला? वो जो कह रहे हैं 1,50,000 हम सरकारी के तरफ से लोन देंगे बिना ब्याज के, किसी को मिला? किसी को आज तक नहीं मिला। आज गए हैं आपको गेहूं खिलाने के लिए, या 1 रुपए गेहूं की स्कीम चालू हुई थी इसके बहुत पहले, इस 1 रुपए गेहूं की स्कीम के अंतर्गत किसी को 1 रुपए किलो गेहूं मिला है या कहीं? हम तो ये कहते हैं कि इनके राज के अंदर ऐसे ऐसे बीपीएल हो गए जिनको बीपीएल तो होना ही नहीं था, और बेचारे ऐसे ऐसे लोग रह गए जिनको बीपीएल भी अंदर होना चाहिए था। तो गरीब को तो गरीब रखना ही है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? कहते ना वो, इन्हें कह दिया, सही कह दिया। अभी हम नरेगा की बात कर रहे हैं, नरेगा के अंदर 13,000 करोड़ का आप समझिए जोरदार घोटाला हुआ हमारे समय के अंदर। अभी नरेगा की बात करते हैं, इनको किताब पढ़ के आ जाना चाहिए था कि नरेगा के अंदर आज के दिन कितनी खराब हालत है। लोग जो काम कर रहे हैं उनको 1-1 रुपया मुश्किल से मिल रहा है, उनको पैसे समय पे नहीं मिलते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी के राज के अंदर जब नरेगा था तो नरेगा के अंतर्गत 25 लाख लोगों ने काम, उनको काम मिला, सही समय पे उनको पैसा मिला, और इन लोगों ने हमारे साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर परिसंपत्तियां जो बनाई वो हमारे साथ भागीदार बनके उन लोगों ने राजस्थान प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया, उसके ऊपर मुझे गर्व है। आज क्या महानरेगा चल रहा है जी? किसके महानरेगा की बात कर रहे हैं? देख लीजिए, भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर व्याप्त है। मेरे ऊपर तो इतनी तो उंगली उठाई और मेरा नाम लेके मेरी आड़ के अंदर जमकर भ्रष्टाचार किया। आप थानों का भ्रष्टाचार हो, विश्वविद्यालय का भ्रष्टाचार हो, आप बिल्डिंग के भ्रष्टाचार हो, रॉबर्ट वाड्रा का भ्रष्टाचार हो, सुना है ना सब लोगों ने, तो आप ही लोगों के इलाके के पास पास ये सब वहां भ्रष्टाचार हो, या आप लोगों के रिफाइनरी का भ्रष्टाचार हो जो जमीन के घोटाले वहां चल रहे हैं। आप कुछ बता दो मेरे को, जोधपुर के अंदर जो जमीन के घोटाले हो रहे हैं, भाइयों किसी चीज को इन लोगों ने छोड़ा है? और आज हमको ये कहते हैं कि विपक्ष कुछ भी गाली दे दे हम सब सुनने को तैयार है। हम गाली उनको गाय को दे जी? हम और जनता तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, किसी को गाली नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी अब हमारे हाथ में है, हम स्वाभिमान के साथ जिएंगे, हम किसी के सामने टुकड़े नहीं लेंगे, और हम एक नया राजस्थान बनाएंगे, एक ऐसा नया राजस्थान जिस नए राजस्थान के अंदर हमारे बच्चे स्वाभिमान के साथ चलते, उनको रोजगार मिलेगा, हम
देके रोजगार, 10 लाख बच्चों को हमने अपने टाइम में रोजगार दिया था, आने वाले समय के अंदर भी हम देंगे रोजगार। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, बच्चे चिल्ला चिल्ला के कह गए कि टेट के वजह से हम लोग फंस गए, हम लोग नौकरी नहीं ले पाए। हमने सबको कह दिया आरपीएससी के द्वारा हम फिर से आप लोगों को उसी स्थिति में लाएंगे जैसे हम लोगों ने पहले किया था। आप इसकी चिंता मत करो, और मुझे मालूम है कि आप लोगों की नौकरियों को जिले जिले के अंदर अटकाने का, कोर्ट के अंदर अटकाने का काम इन लोगों ने किया है। हम वाकई में नौकरी देना चाहते हैं, कोर्ट में अटकाना नहीं चाहते। ये वाकई में आपको अटकाना चाहते हैं, नौकरी नहीं देना चाहते, ये हमको देखने को मिल गया। 60 दिन बचे हैं, 60 दिन बचे हैं चुनाव के लिए, और घबराहट मची हुई है। कोई इधर भाग रहा है तो कोई उधर भाग रहा है, कहीं पत्थर लग रहे हैं तो कहीं सौगातें बढ़ रहे हैं। मैंने कहा कुछ भी कर लो, हमारा नया राजस्थान, इस नए राजस्थान के हमारे युवा, इस नए राजस्थान के अंदर हमारे किसान, इस नए राजस्थान के अंदर हमारे वृद्ध, इस नए राजस्थान के अंदर हमारी महिलाएं आगे चलेंगी, उनका सुरक्षा और उनके काम का काम मैं पूरी गारंटी लूंगी, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम मिलकर करेंगे। और आखिर में मैं आपको ये कह रही हूं कि एक व्यक्ति कोई अकेला में काम कर सकता है, चाहे वो कितना भी सब लोगों को ढींग मारे बाद में चलते कि मैं ही किया, मैंने कुछ नहीं किया। जो भी हुआ वो ईश्वर की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से, और मेरे इस पूरे परिवार की ताकत की वजह से, इनकी ताकत जो लगी हम लोगों के पीछे, उसकी वजह से हम लोग इतना सारा काम कर सके। और मैं आने वाले समय के अंदर ये कह रही हूँ कि ये नया राजस्थान भी अगर बनेगा तो ये आपकी ताकत पे बढ़ेगा। हम लोग तो दौड़ेंगे आगे आगे सेवकों के रूप में, परंतु आप करेंगे राज, और नया राजस्थान बनेगा तो आपके राज में बनेगा, आपके सानिध्य में बनेगा, यही विश्वास करके आज संकल्प यहां से लेके अपन चले। 36 के 36 को सब मजहब के लोग आज रामापीर के सामने, रामदेव बाबा के सामने अपना सर झुकाए और ये कोशिश करें कि उनका पर्चा हम तक पहुंचे, जिस पर्चे में अमन चैन राजस्थान के अंदर हो, जिसमें हम सब एक दूसरे को प्यार से देख के आगे ले जाने का काम करें, एक दूसरे के बीच में झगड़ा फसाद ना हो, और जिस तरीके से आज इस मंच के ऊपर सब प्यार से बैठे हुए हैं, उसी तरीके से आने वाले समय के अंदर राजस्थान का राज प्रेम से चले। ऐसे प्रेम से चलेगा तो मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि विकास राजस्थान का कोई नहीं रोक सकता, राजस्थान होगा विकसित, और जिस तरीके से पुराने जमाने में अग्रणी प्रदेश था, उस तरीके से फिर से अग्रणी प्रदेश बनकर रहेगा। क्या ये सपना आपने सबने नहीं देखा? क्या आप लोग नहीं चाहते हो? सब चाहते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके जोर से, और राजस्थान के लिए बाबा के सामने सिर झुका के जय जय राजस्थान का नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान आशीर्वाद देंगे बाबा। और हम लोग मिलके इस गांव से, कठौती गांव से अपनी छोटी सी आवाज लेके इसका अलग जगह के राजस्थान के अंदर फैल के पूरे राजस्थान को एक करके राजस्थान के लोगों को विकसित करने का काम करेंगे। सबको मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार सबको, बहुत सारा प्यार माता बहने, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे हैं, हम लोग मिलके ये काम करेंगे, मैं विश्वास लेके आपको देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।